पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि ऐतिहासिक है और बहुत लोकप्रिय भी होते हैं। उनमें से एक है स्टोले। शायद कुछ लोगों को इसके बारे में अभी ना पता हो, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको इस डिश के बारे में बताते हैं। कहीं इसे देखकर आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये कोई खिलौना है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि पहाड़ी व्यंजन स्टोले बनाने का यंत्र है। देवभूमि हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में कई प्रकार के व्यंजन आज भी बनाए जाते हैं। पहाड़ी व्यंजनों को खाने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। खास करके बर्फीले इलाकों में तो पहाड़ी व्यंजनों को खाने से ठंड भी काबू हो जाती है। ऐसी ही एक डिश है स्टोले की। स्टोले माघी त्योहार के एक दो दिन पहले बनाए जाते हैं ताकि मैदानी इलाकों से पहुंचे मेहमानों को ये डिश खिलाई जा सके। सबसे पहले तो मांडवे के आटे को गूंदकर 2 घंटे तक उबाला जाता है। उसके बाद उसे लकड़ी के यंत्र में डालकर स्टोले बनाए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि ये स्टोले शक्कर या दाल के साथ खाए जाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हमारे गिरी पार्क क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन भिन्न भिन्न मौकों पर तैयार किए जाते हैं। इनमें से स्टोले भी एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का व्यंजन है जो कि बहुत ही पौष्टिक है ये। और ये जो स्टोले है जाना जाता है। देश के बाकी लोगों से ज्यादा तंदुरुस्त लोग पहाड़ों में होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन भी खाते हैं। इसका कारण ये है कि पहाड़ों में कई तरह की जड़ी बूटियों से अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए और खाए जाते हैं जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जनता टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट।